कहाँ से आज का व्लॉग का शुरुआत किया जाए मुझे कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा है। सो ये वीडियो में कुछ डिफरेंट सा होने वाला है। सो ये वीडियो पे मैं आपको एक सफर पे लेकर जाना चाहता हूँ, इस 2020 के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। सो बिना किसी देरी के ये व्लॉग की शुरुआत हम लोग करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पहला रिवाइंड का वीडियो। सो बेसिकली ये वीडियो मेरे लिए सबसे स्पेशल है, क्योंकि एक ड्रीम जो होता है, एक हर एक राइडर, हर एक बाइकर का जो एक ड्रीम रहता है कि वो अपनी ड्रीम बाइक खरीदे, लाइक एक ऐसी बाइक ले जो काइंड ऑफ उससे वो टूरिंग कर सके, एडवेंचर टूरिंग कर सके, ऑफ रोडिंग कर सके। सो या पहला व्लॉग 2020 के नाम ये। हर किसी के लाइफ में एक बड़ा दिन आता है। सो हर कोई एक्साइटेड रहता है, हर कोई मतलब जोश में रहता है, वो जिसके लिए आप 3 साल, 3 साल से ज्यादा का मतलब वेट करते हो। सो आज वो दिन मेरे लिए ऐसा एक बहुत बड़ा दिन है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो जो भी है, जैसा भी है, आपको मैं वहां पहुंच के बताता हूँ। अभी मेरे को क्योंकि लेट हो रहा है, सो वहां पहुंच के फिर मैं आपको बताता हूँ वो बड़ी चीज क्या है। मोस्टली सब लोगों को तो पता ही है, लाइक मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों को तो पता ही है क्या बड़ा चीज है। एंड यस, सृष्टि भी नहीं रहेगी व्लॉग में, बेचारी उसका नसीब नहीं है ये बात तो, लेकिन बहुत ही जल्द वो भी आपको व्लॉग में दिखेगी उस चीज के साथ। सो मिलते हैं इन 3, 2, 1। सो ये था मेरा 2020 का फर्स्ट एंड सबसे अच्छा चीज। तो पहले मैं वीडियो में अच्छे अच्छे चीजें जो जो मेरे साथ 2020 में हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर जो बुरी चीजें हुई है वो लास्ट में शेयर करेंगे, पहला खुशखबरियां शेयर कर लें। सो उसके बाद हम लोग गए, एक हिमालयन आने के बाद हम लोग गए थे सिद्धिविनायक दर्शन करने के लिए। सो ये रहा सिद्धिविनायक का कुछ क्लिप्स। देन आफ्टर ऑल उसके बाद लॉकडाउन लग गया एंड हम लोगों को मेरे बाइक को आए हुए कम से कम 13 मार्च 2020 को मेरी बाइक की मैंने डिलीवरी ली, एंड उसके बाद से बाइक मैंने सिर्फ 1 दिन चलाई या 2 दिन चलाई, उसके बाद तो 3 से 4 महीना बाइक खड़ी रही। और बाइक खड़ी रहने के बाद हम लोग निकले आफ्टर लॉकडाउन, जो जब लॉकडाउन 1.1 हुआ था तो हम लोग निकले थे एक शॉर्ट सा सिंपल सा राइड में, जो था अपना तुंगरेश्वर या नालासोपारा या वसई के इधर, जहाँ पर हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग जस्ट ऐसे छोटे से राइड पे गए थे। तो ये रहा कुछ क्लिप्स और थोड़े बहुत शॉर्ट्स उस ब्लॉग के। नया वेदर तो भाई मेरे को डरा रहा है थोड़ा, सच तो डर रहा है वेदर से थोड़ा। एंड देन टाइम आता है गणपति का। 2020 का गणपति हर साल से एकदम अलग था, उतना मजा नहीं आया बट ठीक ठाक गया। हम लोगों ने गणपति का विसर्जन कैसे किया ये वो जो मैं आपको नहीं दिखा पाया था, तो कुछ क्लिप्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि गणपति का आगमन और हम लोग ने गणपति कैसा बैठाया था, प्लीज आप जरूर देखिए। बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकते हो, ऑटो से जा रहे, फटाफट जाके लेकर आ जाएंगे, फिर आपको वहां पहुंचे मिलते। बिल्कुल नहीं कर पाया, फिर घर आया एकदम थका था, फिर मामा आया, फिर उसको कांडी वाली ड्रॉप किया मेरे हिमालय से, जो वो भी शूट नहीं किया, मैं सोचो इतना थका हुआ था। फिर आया फिर थोड़ा वायरिंग का इधर इशू हो गया, तो वो कब से सॉल्व करने लगा, तो सॉल्व नहीं हुआ, नहीं वो लाइटिंग लेनी पड़ी। एंड देन मेरा 28th बर्थडे, जो होपफुली मेरे बर्थडे के टाइम पे लॉकडाउन खुल चुका था, एंड हम लोग
गए थे राज इन लोगों को मिलने इन कल्याण और डोंबिवली बेसिकली, जहाँ पर हम लोग ने ऑफ रोडिंग वगैरह की थी। एंड ये रहा कुछ क्लिप्स उस व्लॉग में से। तो इसके बाद हमारा बर्थडे के दिन कुछ कांड भी हो गया था, सो मैं आपको वो लास्ट में शेयर करना चाहूंगा। आप देखो व्लॉग, देखो कंप्लीट करो, थोड़ा बहुत और सीन्स देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या हुआ था इस 2020 में मेरे साथ। राज भाई और दर्शील जाना कहाँ से? एंड द सेकेंड, या तो मेरे लाइफ का सेकेंड या थर्ड, सेकेंड पार्ट समझ लो, जो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं और मेरा भाई ने एक शॉर्ट सा क्लिप बनाया था, लाइक सिनेमैटिक क्लिप, लाइक एक नंबर वो क्लिप बनाया यार। प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो अभी देखो, फिर ही आके व्लॉग देखो, तो ही आपको समझेगा कि वो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और कैसा था। सो बेसिकली वो मेरा और हर्षु का जस्ट एक, हम लोग गए थे एक ट्रायल सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अच्छा खासा सिनेमैटिक वीडियो बन गया, जैसे कि आप देख सक रहे हो। इस तरीके का शॉर्ट्स हो रहा था एंड पानी में कसम से बाइक चलाने में जो मजा आती है ना, बहुत एक नंबर मजा आती है। तो उसके बाद हम लोगों ने सीधा व्लॉग किया मेरा दिवाली। दिवाली में तो लाइक चलो, दिवाली तक ऑलमोस्ट एवरीथिंग नॉर्मल हो चुका था, दोस्तों से मिला। देन अब देखो देखो दोस्तों से मिला एंड क्या क्या हुआ। तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी पुरानी सोसाइटी में एंड ये रहा अपने सारे लोग जो अगर इगतपुरी राइड पे भी आए थे, लेकिन वो ब्लॉग मैंने डाले नहीं। उसके बाद हम लोग गए एक संडे लुनावाला राइड पे, जो ये बाइक से मेरा एक लाइक ड्रीम था कि जब मैं फर्स्ट टाइम विक्टर से राइड किया था, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मेरी बाइक, मेरी खुद की बाइक को लेके मैं एक बार लुनावाला राइड करूंगा। ज्यादा लंबा नहीं सोचा था तभी, सो वो फुलफिल करने के लिए मैं ये एक अभी रिसेंटली एक लोनावाला राइड पे जाकर आया। सो ये है कुछ क्लिप्स लोनावाला राइड के। वेदर लोनावाला में एंड लोनावाला राइड में मैं बेसिकली बोलूँ क्या हुआ था। लोनावाला राइड में हम लोग लाइक मैं अकेला था और प्लस मैं शाम तक रुक गया, क्योंकि मेरे को वो मूवमेंट एंजॉय करना था, पूरा लोनावाला का वो फील लेना था। भले ही उतनी ठंडी नहीं थी, उतना मज़ा नहीं आया अकेले, बट एक काइंड ऑफ अ फ्री टाइम मिल गया मेरे को मेरे साथ, और या कुछ इस तरीके का सीन गया, आप तो देख ही रहे हो। मैंने ऐसे ही किया कि यार इतने दिनों से वैसे ही भी किधर गए नहीं थे, कुछ इस तरीके का सीन गया, आप देख के तो समझ ही सकते हो। एंड देन बात आती है हमारे लास्ट ट्रैक, नाइट ट्रैक वीडियो की, जो हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही किया है द हिल स्ट्राइकर्स के साथ। सो जो बेसिकली मैं जिनके साथ ट्रैक्स वगैरह मोस्टली करता हूँ, वही द हिल स्ट्राइकर्स। सो एक अलग ही तरीके का एडवेंचर था, एक अलग तरीके का फन था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो पूरा वीडियो आपको देखना, तो प्लीज वो भी पूरा वीडियो देखो। और ये रहे कुछ शॉट्स उस व्लॉग के। और ये व्लॉग में ये कसम से मैं बोलू, ये ट्रैक में मैंने कसम से सोचा था कि फट्टे ठंडी होने वाली, लेकिन भाई साहब जो गर्मी थी ना, लाइक मैं हुडी लेकर गया था, विंग शीटर भी लेकर गया था कि भाई बादल थे तो कभी भी बारिश या कुछ भी हो सकता है, बट भाई कुछ नहीं हुआ बल्कि हद से ज्यादा गर्मी थी। और हम लोग ऊपर जाके मैं करीबन 15 से 20 मिनट का नैप ले लिया था,
सो अब रही बात 2020 में मेरे साथ बुरा क्या क्या हुआ, तो सबसे पहली बुरी चीज़ तो यार ये हुई कि मैंने न्यू बाइक ली और यार करीबन 3 से 4 महीने मेरी बाइक फुल टाइम पेट्रोल पे लिटरली खड़ी हुई थी एंड मैं किधर जाकर नहीं आ पाया। एंड देन गणपति सेलिब्रेशन जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि चूह पे जाके विसर्जन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं हो पाया। एंड फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चीज़ें किया, लाइक बारिश में ऐसे ही राइड पे चले गए थे। एंड फिर एक बुरा चीज़ मेरे साथ हुआ मेरे बर्थडे के दिन, वो है ये कुछ एक फनी सा इंसिडेंट था गाइस की लाइक कुछ अता पता नहीं था यार। सो एकदम अजीब सा इंसिडेंट था यार, कुछ अता पता नहीं था, ना कुछ सोचा था, फुल्ली कॉन्फिडेंट से मैं ऊपर तो चढ़ गया लेकिन नीचे जाते टाइम पता नहीं क्यों क्या हो गया और बाइक का ये हालत हो गया था बाइक का। एंड मैं तो ये डिसीजन पे आ गया था कि भाई चलो इंश्योरेंस क्लेम कर लेते बाइक का, सब मेरे को नवा लगा के चाहिए, बट मैंने नहीं किया, थोड़ा दिमाग लगाया। एंड देन उसके पहले मेरे साथ हुआ था लाइक मेरे थंब को यहाँ पर मेरे चेन से पूरा यू नो आर पार हो गया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप लोगों को मालूम रहेगा, मैं अभी वो फोटो शेयर करके वीडियो को खराब नहीं करना चाहता इसके लिए, वो ऐसे रहने दो। मैं आपको अगर चाहिए तो मैं ऐसे ही दिखाने की कोशिश नहीं, छोड़ो नहीं दिखाता हूँ, वही अच्छा है। एंड फिर मेरे साथ क्या बुरा हुआ, फिर उसके बाद कुछ बुरा तो नहीं हुआ मेरे साथ। ये सबसे बुरी बात तो मेरे को यही लगी कि यार ये साल पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे कि ये साल के एंड में यहाँ जाएंगे घूमने, वहाँ जाएंगे घूमने, ये करेंगे वो करेंगे। ये साल हम लोग का न्यू ईयर होने वाला था, ये बार भी हम हिमाचल प्रदेश जाने वाले थे, कुछ अच्छी ठंडी जगह पे जाने वाले थे, अच्छा खासा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने का सोचा था, बट कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड में भी ये लॉकडाउन का सीन शुरू हो चुका है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसा क्या होने वाला है 31st हमारा। सो ये वीडियो तो आप लोग देख रहे हो 31st के दिन, और जो मेन 31st को जो इवेंट अगर मैंने किया तो वो आप लोगों को 1 January 2021 को लाइक आप लोगों को देखने मिल जाएगा। सो प्लीज एक बार मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोगों का क्या क्या रेजोल्यूशन है 2021 को लेके और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। मेरा तो भाई मैंने एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दिया 2021 से। सो जान में तो हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया है, तो अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो मजा आ जाने वाला है, फिंगर क्रॉस्ड। एंड या ऐसा ही था हमारा 2020, सबका हमारा क्या तुम्हारा भी रहेगा, हम सबका ऐसा ही था, अप्स एंड डाउन्स भरा। एंड में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, बहुत सारी बुरी चीजें हुई, बट हम लोगों को इस 2020 ने एक चीज सिखाया, वो है पेशेंस, कि भाई सबर करो सब अच्छा होगा, सबर करो हर एक चीज मिलेगा आपको। सो या ज्यादा पकाने की अभी मैं कोशिश नहीं करूंगा, ये वीडियो इधर ही खत्म करता हूँ। रिवाइंड था, छोटा सा ही था, बट सच्ची सच्ची कमेंट में बताना कि आपका 2021 से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और आपका 2020 किस तरीके का। आई नो वो तो बेकार गया रहेगा, कुछ लोगों के लिए अच्छा जा भी सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी जा सकता है। सो प्लीज कमेंट में मेरे को बताओ और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे राइड के ब्लॉग्स, मेरे ट्रैवल ब्लॉग, मेरे ट्रैक्स ब्लॉग देखो, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है मेरा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों पे शेयर करो। मिलते हैं 2021 में एक शानदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट बट राइट थिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।